इमरजेंसी। डॉक्टर, बच्ची की हालत बहुत खराब है, बहुत नाजुक है और बहुत खून बह चुका है। हमें जल्द से जल्द उसे खून चढ़ाना पड़ेगा। आप मेरा ब्लड ले लीजिए। एक्चुअली साई का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, विच इज वेरी रेयर और आसानी से भी नहीं मिलता है। मेरा तो बी पॉजिटिव है। आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए ना, चेक करवाइए आपसे कि पापा हो सकता है मैच कर जाए। मुझे नहीं कराना ब्लड टेस्ट। क्यों नहीं करवाना? बोलो नहीं कराना बस। बोलो नहीं कराना बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिलचस्प और भावनात्मक एपिसोड की, जो कि गुम है किसी के प्यार में दिखाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस खास एपिसोड में क्या क्या हुआ। आज का एपिसोड है महामिलन का और इस महामिलन में हमें देखने को मिलेगा एक बेहद बड़ा ट्विस्ट। सई जो हमारी प्यारी छोटी बच्ची है, उसकी अचानक से तबीयत बेहद खराब हो जाती है। इतनी प्यारी बच्चे के साथ ही ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हैं? क्या हो गया है उन्हें? चाचा तो सही के आने पर खुश थे, उसके लिए उसका ड्रीम हाउस बना रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ? उनकी आंखों में जो मैंने सही के लिए प्यार देखा था, वो झूठ तो नहीं था? कुछ तो है। रजत क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं? कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सई की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। इस समय पूरे परिवार के लोग गणपति जी की तैयारियों में व्यस्त हैं। सब लोग गणपति जी की स्वागत में जुटे हुए हैं, लेकिन तभी सई की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि सबकी चिंता बेहद बढ़ जाती है। डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सई की हालत बेहद नाजुक है और उसे खून की सख्त जरूरत है। अब यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। डॉक्टर का कहना है कि सई को ब्लड की जरूरत है और उसके लिए माता पिता में से किसी का ब्लड देना जरूरी होगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह होती है कि सई की माँ आशका उपलब्ध नहीं है और पिता रजत भी ब्लड देने के लिए तैयार नहीं होते। इस स्थिति में सई की जान को खतरा बढ़ सकता है और वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही होती है। इस तनावपूर्ण स्थिति में सई की बहन सभी सबसे ज्यादा परेशान रहती है, परिवार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन तभी एक चमत्कारिक मोड़ आता है और माटी से बंधी डोर की वैजू आती है और सई की जान बचाने में मदद करती है। वैजू के आने से परिवार में एक नई उम्मीद मिलती है और सई के इलाज की संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। यह एपिसोड हमें दिखाता है कि कैसे परिवार और समस्याएं और जीवन की मुश्किल हालत में कोई भी आशा की किरण बनकर आ सकता है। सई की जिंदगी के लिए संघर्ष और वैजू का मददगार हाथ, ये सब मिलकर हमें एक दिल छू लेने वाली कहानी को पेश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।